जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट दें। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता, किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पा। तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दें, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाए। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है। और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र। और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें, आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला, ये कीट दूषित है। और यदि हमारा मन निर्मल ना हो, तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा,
इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या मां, निर्णय आपका। राधे राधे। आपने जीवन में कभी ना कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा, कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। फिर निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा और दुगना लौट कर भी आएगा इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता, ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। ऐसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सीख दे जाती। अब तरिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाए तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें, क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है तब वो अपने वास्तविक सात रंगों में विघटित हो जाता है और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते। दूसरा प्रश्न, ये इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से ही क्यों बनता है?